जय हिंद आप 11th क्लास स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट गैसियस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एज यू नो आवर चैप्टर नंबर 17 लर्निंग, चैप्टर नंबर 17 इज अ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन द दिस प्रोसेस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। हमने रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। एक तो ब्रीथिंग में हमने ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म से समझा, ठीक है, और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस जो है वो किया। अब हम यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करेंगे। गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, एल्वियोल्स से, ये एल्वियोल्स हैं जो कि लंग्स में होती है बहुत सारी। एल्वियोल्स की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन काफ़ी क्या होती है, थीन होती है, साथ ही साथ क्या होती है, मेम्ब्रेन जो है एल्वियोल्स की वो पोरस होती है। पोरस होने की वजह से, हायर प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का यहाँ पर जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का यहाँ पर लगभग क्या होता है, 104 mmHg। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन प्रेशर 104 mmHg होता है, जहाँ से ऑक्सीजन प्रेशर भी डिफ्यूज होती है और कैपिलरीज के अंदर क्या होती चली जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। यू नो डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या आता है, गैसेस का क्या आता है जो है जाना होता है, या उसका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या आती है वो मूव करती है। यहाँ पर डिफ्यूजन तो ऑक्सीजन का आती है, इस एल्वियोल्स से होकर कैपिलरी में क्या आती है डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती है, और जो ब्लड के अंदर कैपिलरी के अंदर की जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन का भी एंटर कर जाती है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी, ठीक। इसी प्रकार जस्ट का आरबीसी के अंदर से CO2 का बाहर निकलती है, आरबीसी से CO2 बाहर निकलेगी और डिफ्यूजन के जो क्या आती है वो ब्लड कैपिलरी से जो है ब्लड कैपिलरी से निकल कर एल्वियोल्स की वाल को, वाल की शेप कैसे क्या होती है एल्वियोल्स में आ जाती है। यहाँ पर जो है डिफ्यूजन प्रेशर होता है 40 mmHg होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के रिलीज होने का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, 40 mmHg होता है, और यहाँ पर ये जो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो बाहर निकली है, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होती है बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक। इस प्रकार बॉडी से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ली हुई ऑक्सीजन एल्वियोल्स से कैपिलरी में जाकर आरबीसीस के ब्लड में, मतलब कि ब्लड के अंदर आरबीसीस में घुल जाती, चली जाती है और सोल्यूबल हो जाती है, ठीक है, जहाँ से आरबीसीस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेके जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार CO2 आरबीसी से निकलकर एल्वियोल्स में आती है, एल्वियोल्स से ये एल्वियोल्स से CO2 होती है बॉडी से बाहर एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। ये गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इतना ही आपको करना है, अपने हिसाब से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन लिखना आपको वही जो सही है, ओके। तो हमको बुक में से पढ़ना है, बुक पेज नंबर 680 681 पर ये जो है पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा बायोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा किसी भी बुक में से आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, और गैसेस सिचुएशन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो है डे पढ़ेंगे। जय हिंद आल ऑफ यू।